बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम, वेलकम टू सऊदी इन्फो। और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। सऊदी अरब में एक और टैक्स का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में अंदर जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन पर दिसंबर 2019 से मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा। उसकी तफसीलात बताई गई हैं। जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात ने इसके बारे में एक डिसीजन लिया है कि जितनी भी GCC कंट्रीज़ हैं सब ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक वो तमाम कोल्ड ड्रिंक्स जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, उन पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी तंबाकू की प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग टूल्स शामिल हैं उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाहे वो किसी भी मटेरियल से तैयार होती हैं, उनमें अगर शुगर चीनी का इस्तेमाल किया गया है तो उन पर टैक्स लगा दिया जाएगा। ये दिसंबर 2019 से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद मज़ीद ये कहा गया कि जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध से तैयार होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, या वो जूसेस जो फ्रेश जूसेस हैं, इन पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सिर्फ सेहत को नुकसान देने वाली प्रोडक्ट्स पर ये टैक्स लगाया जा रहा है। इससे पहले आपको पता होगा कि जितने भी गावा सेंटर हैं, जितने भी शीशा सेंटर हैं, उन पर 100% टैक्स पहले से लगाया जा चुका है। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।